और उसका उपलक्ष में आधा पौरे इकट्ठा होया ए बात खातर कजना जना देश की खातर आपकी जान दी आजादी खातर जो लोग लड़िया उनने आपा उनका जन्म दिवस पर और उनकी जयंती पर आपा उन्हें याद करके उनने सच्ची अपनी श्रद्धांजलि देवा और ए बात खातर भी देवा कि और देश में ए दुनिया में ईसा भगत सिंह पैदा हुए जो समाज की वह लड़ाई लड़े। भगत सिंह एक बात कही, राजनीति तय करे के होड़ो है के नहीं होड़ो, तो आप भी तय करा का अपनी राजनीति के होगी। ऐ गांव में पाइपलाइन आनी है कोनी आनी, बिम्मो आनो है कोनी आनो, बिम्मो सैटेलाइट तो आनो है, क्रॉप कटिंग तो आनो है, स्कूल कमी ताई को होगो, कड़ा हॉस्पिटल होगो, कुर्सी रोड बनेगी, ये सारी चीज राजनीति तय करे, तो आप भी आप तय करा का अपनी राजनीति के हो। आप बार बार ऐ सत्ता लड़िया, आज 13 साल होगी मन्ने ये राज लड़ता, राज चाहे कोई कोई होवे, चाहे कांग्रेस को होवे, चाहे बीजेपी को होवे, मैं लड़िया ये बात खातर लड़िया के देश के हरेक विद्यार्थी ने शिक्षा मिले, हरेक नौजवान ने रोजगार मिले, किसान ने भाव मिले, किसान ने बिम्बो मिले, और नहर की जो बात है, नहर की जड़ जड़ काटचा मारी है पर नहर धरातल पर आवे। कॉलेज की आप लड़ाई लड़ी, हरेक गांव में मैं गया, राजगढ़ तहसील में जो मोता कॉलेज है, जो एडेड कॉलेज हो, उसने पूरा प्राइवेट कांग्रेस की सरकार करो और फिर एक कॉलेज सरकारी खोल की गया, लेकिन उसकी जमीन को आवंटन कौन कर की गया। 58 दिन तक उस कॉलेज का आगे मैं लड़ा पर जमीन को आवंटन करायो, फिर बाद में नौजवाना की लड़ाई लड़ी, अब किसाना की लड़ाई लड़न लाग रहा और बिम्मे की जो लड़ाई लड़न लाग रहा, मेजर तो काम करना शुरू करे है। ए तहसील के अंदर 12 बिम्मा आए, लगातार 12 बिम्मा आए, कदे या तहसील टली को नहीं। जय दिन भी वो MP साहब लिस्ट डाले फेसबुक का ऊपर, राजगढ़ को नाम कदे ही कटियो को नहीं है, रतनगढ़ है, सुजानगढ़ है, पिद्दाचर उनको नाम कट सके, लेकिन राजगढ़ को नाम कटन को दियो। और अब की बार सबसे ज्यादा जो कलेम आए है वो है राजगढ़ तहसील को आए है, या किसान की ताकत है। मैं हरे गांव में जा जा की लोगों तैयार करया, ऐ बात खातर तैयार करया क्या वो जो सर्वे हुए, ऐ सर्वे उन कलेम को निर्धारण हुए, ऐ उन बिम्मो आवे देख गुच्छी रखोगा, जब ही बिम्मो आओगो गांव गांव में टीम तैयार हुई, लोग लड़िया, राजू भी लड़िया, बिम्मा कंपनियों भी लड़िया, और आज लड़न खातर जयपुर भी जा रहे हैं अपना साथी। आज आप उम्मीद करा के किसान का हक में फैसलो आवा को, अगर कभी किसान का हक में फैसलो नहीं करे तो आप वापिस सड़क पर आवागा, वापिस आप जीत की जावागा, अपने जो बिम्मो बड़े हैं वो आप खावण कोई नहीं कुन दिया। रही बात नहर की, तो जय तरीकों बिम्मे की लड़ाई लड़ी है, उसे तरीके से अगर आप नहर की लड़ाई लड़ांगा तो निश्चित रूप नहर आवेगी। कपूर जी आ रहे हैं, मेरा चाचा जी है, अनिता ने सारी बात बताई है, तीन तीन नहर काट जाकर मैं भवन लाग रही है, जब मैं बोल रहा जब कई बूढ़िया बड़ा ध्यान सुनने लाग रहा, और मेरा नौजवान साथी है उनकी कोई रुचि को नहीं। अगर नहर नहीं आवेगी तो फिर अपनो भविष्य अंधकार में है, कोई संभालनी है कोनिया ने। इनमें की जो योजना है वह घड़ा दिन चलने वाली है कोनी, और तेरा बात खुद स्वीकारो क्या अपन नहर लिया का, पहले तो तेरा बात की जांच करो कि नहर काट जाकर वह आ रही है कोनी आ रही। सिद्ध मुक्का साथी आ रहे, मैंने बार बार आ बात कही कि जब तक थे नहीं लड़ोगा इतने धारे पानी आड़ो कोनी, ऐ कदे कहता कि हमारी विधायक क्यों बात होगी, कदे कहता सांसद महोदय बात होगी, हमारी किलाबंदी हो जाएगी, एक इंच काम कोनी है, और होगा उसे दिन जब दिन सर पर कफन बांध की सड़क पर आऊंगा, इतना सिद्ध मुख में कोई किलाबंदी को नहीं होनी, ना कोई पानी आड़ो। अभी तो टेम आ गयो, आज तक किलाबंदी को नहीं है, बात सहीसा लाकड़ में हो रही है। मैडम की आप बात कर दी कि मैं घर घर टूटी लगाऊंगी, सिद्ध मुख में किलाबंदी करवाऊंगी, मैडम जी बजट में यह लेके आई
कि मैं 100 करोड़ रुपया चिदमुख में किलाबंदी खातर लेके आई हूँ, लेकिन वह किलाबंदी आज तक धरातल पर लागू बनी रही है। जय तरीकों पहला नेता नए नए खा गया उचे तरीका धनी भी नैर ने खाउन को ही काम करे है पठाउन को काम करे करियो बनी है पूरा इलाको आबाद होएगो जदी जब आप ईमानदारी लड़ांगा। रही बात चुनाव की तो चुनाव मारी पार्टी मैं बात करूँ, अगर मैं टिकट देगा आपा टिकट देनी कोई मोटी बात बनी है, टिकट तो मैं लिया हूँ, लेकिन कहने तारे पाए पर रहना पड़ेगा, थे अगर पाए पर नहीं रोगा। पहली दे तरीकों से वोट देता उस तरीके होनी देना है जितना लोग आधार है सारा अगर ईमानदारी लागेगा तो हर नेता कन इतनी ताकत है कोनी कब जीत गया उन नेता कन इतनी अनुशासित सिपाही कोनी जितना अपा ए बुढ़िया जदू आए अभी तक ए धूप में बैठे है अनुशासन अगर इतना अनुशासन स्कूल में बैठे है तो एक कलेक्टर बने है। हमें धन्यवाद है कैसे आया अभी अपा अमीरवाद चलांगा अमीरवाद अभी विधायक जी आना था गिरधारी जी का थोड़ा लेट हो गया उनको भी करिए कर्म हो हर एक जगह शहीद आजम भगत सिंह का करिए कर्म हो रहा है तो अब आप चलांगा उससे पहले छोटो सा करिए कर्म हो रहे है सारा साथी रुकेगा सारा अनुशासन उतर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इनकलाब जिंदाबाद। अब 4.5 साल का काम देखिए और उन लोगों का भी देखिए जो बार बार पोस्टों में आ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको मान सम्मान नहीं दिया और उस चीज को अगर आप भूल जाते हो तो मैं तो चौधरी चरण सिंह का भगत वादन करता था कभी बचपन में और उसने एक बात कही थी कि किसी व्यक्ति को एहसान और अपमान कभी नहीं भूलना चाहिए अगर वो जिंदा है तो। सुनील की लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है, राजगढ़ के मान सम्मान की लड़ाई है, राजगढ़ की गरिमा की लड़ाई है और जिन लोगों ने एक चलते फिरते व्यक्ति को सिर्फ अपने स्वार्थ का साधन समझ रखा है, वोट लेने के लिए साधन समझ रखा है, उनको जवाब देने की लड़ाई है। इसलिए मैं तहे दिल से इनको साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और तन मन धन से सहयोग का वादा करता हूँ। जय भारत जय हिंद। आपके हक में होगा ये हमें उम्मीद है। हम आपको न्योता देते हैं आने वाली 29 तारीख को या तो हम जिले की कलेक्टर की पटाखे फोड़ के आएंगे या फिर अन्य दरिंदों के सिर फोड़ के आएंगे। इसलिए तमाम साथियों से अपील रहेगी कि जिस शक्ति ने आपके बीच में 4.5 साल जो संघर्ष किया है आपके पंचायत में 12 दिन में आ गए, ये इस बंदे की वजह से आ गए। आप इसको मजबूत करोगे आपको रोड पे नहीं लेना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। साथियों आज से इस इंकलाब रैली को संकल्प लेते हुए तन मन धन से 2023 की विधानसभा की तैयारी करें और साथ ही सुनील पुनिया को मजबूत करने का काम करें। आपने हमें बुलाया मान सम्मान दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।